बात ही आपको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, हेलो यूट्यूब फैमिली, आप जैसे SMS यूज़ करते हो, आप जैसे कोई भी जो एप्लीकेशन नहीं तो कोई भी जैसे आपको OTP आता है तो उसमें आपको 24 घंटा में ये ऑटोमेटिकली डिलीट कैसे कर सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसमें क्या है, देखो आपको वन टाइम आपको एक OTP आता है, उसमें आपको दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उसमें आपको 24 घंटे के बाद ही आपको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, इसमें जाने के बाद एक आपको सेटिंग को ऑन करना है। देखो ये आपको ऑटोमेटिक डिलीट OTP, जैसे OTP ये आपको 24 घंटा के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये आपको देखोगे डिलीट, ये आपको 24 घंटा के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आपका जो एक परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको आपका जो OTP है डिलीट हो जाएगा। ये आपको ऑन कर दोगे तो ये आपको सिंपल आ जाना है। आने वाले आपको क्या है, वन एक OTP आया है, ये आपको जैसे देखोगे 6328। तो वन टाइम ये आपको मेरा ये एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करने के बाद मेरा जो फ़ोन नंबर को एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद एक OTP आया था, OTP आने के बाद ये वाला जो SMS है और काम का नहीं है। तो इसलिए आपको 24 घंटे के बाद कोई भी जो OTP आपके पास एक SMS आता है उसको आप जैसे डिलीट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो कैसे करोगे, आपको सबसे पहले आपको आपका जो SMS बाय आपको होना चाहिए, उसके बाद आपको देखोगे SMS में आपको सबसे ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको SMS सेटिंग में आ जाना है। आने के बाद आपको देखोगे SMS एक ऑप्शन, इसमें आने के बाद आपको देखोगे ऑटो डिलीट OTP 24 घंटा का बाद आपको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। पहले तो ऐसा रहेगा, आपको ऐसे करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जितना आपका जो OTP रहेगा 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आपको कुछ हाथ भी लगाना नहीं है, फोन को ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जी गुड आफ्टरनून, गुड।